अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदर फार्म बाराको इस्लामाबाद में, और इस बदर फार्म की अच्छी लोकेशन में बड़ी गली में एक 5 मरले का घर लेकर आया हूँ जो ईंटों पे बना हुआ है, अच्छा काम किया गया है, फरोख्त के लिए आया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी ये गली दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 28 से 30 फीट की बड़ी गली है, और यह इस साइड पे दोस्तों इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ जा रही है जो सिमली डैम रोड के ऊपर है, और इसके बिल्कुल करीब एडजेसेंट ही पार्क यू सोसाइटी आ चुकी है। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये बदर फार्म में एक छोटे साइज का घर है, बहुत ही शानदार लोकेशन पे बना हुआ है। घर भी काफ़ी मजबूत सॉलिड घर बना हुआ है, ईंटों का घर है, कॉलम बीम का घर है। तो फ्रंट एलिवेशन में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये इसके फ्रंट का डिज़ाइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा डिज़ाइन इन्होंने फ्रंट पे दिया है, जिसमें रिलिंग वाला बड़ा दरवाजा भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा बाथ की वेंटिलेशन जो है वो भी इन्होंने बाहर वाली साइड पे दी है, सेफ्टी ग्रिल आपको नजर आ रही होगी, शेड वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे, रैंप पे इन्होंने टफटाइल लगाई हुई है, गली ये पक्की है। तो जल्दी से आपको अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर से भी आपके साथ ये घर शेयर करूंगा। दोस्तों ये घर जो है एक तरह का नया घर है, फैमिली कोई 5 से 6 महीने इसमें रिहाइश पजीर थी, अब फरोख्त के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये इसका कारपोर्च है, कारपोर्च भी मुनासिब साइज का है, इसमें गाड़ी खड़ी हो सकती है बड़ी भी। और इसके फर्श पे आप देख रहे होंगे मार्बल लगा हुआ है, साइडों पे स्कर्टिंग लगी हुई है। लेफ्ट साइड पे दोस्तों इन्होंने ड्राइंग रूम के साथ ही स्पेस को बाथ के लिए यूज किया हुआ है, ये ड्राइंग रूम का बाथ है, ये भी आपको दिखा दूं जो बाहर वाली साइड पे बनाया गया है। आप देख रहे होंगे लाइट इसकी खराब है शायद, बहरहाल इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश सीट लगी हुई है, टाइल वगैरह का डिजाइन भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। इसके अलावा शावर वगैरह भी इसमें लगा हुआ है। अब दोस्तों आपको इस साइड पे ले आता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसके ड्राइंग रूम का एक दरवाजा बाहर वाली साइड से है। बहरहाल मैं अब आपको इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ लेकर चलता हूँ, यहाँ से भी आपको कारपोर्च दिखा दूं, जो सीढ़ी के नीचे स्पेस है, यहाँ पे इन्होंने नलका भी दिया हुआ है, नलका ये गाड़ी भी धोई जा सकती है, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी धोए जा सकते है। साथ ही आपको फिटिंग जो नजर आ रही है ये बोर की है। तो अब इसकी मेन एंट्रेंस में आपको दिखा दूं, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये इसके टीवी लॉन्च का एरिया आता है, काफी अच्छे साइज पे इन्होंने ये टीवी लॉन्च रखा हुआ है। इसके एक साइड पे दोस्तों ये अलमारी भी आपको नजर आ रही होगी, सेंटर में इन्होंने ये मीडिया वॉल भी दिया हुआ है, इसके अलावा ऊपर भी सामान वगैरह रखा जा सकता है। साथ साथ आपको सीलिंग का डिजाइन भी दिखा दूं, इस घर में सीलिंग भी की गई है, ईंटों का बना हुआ ये मकान है, सॉलिड काम इन्होंने किया हुआ है। अब आपको मैं अपने राइट साइड पे ले जाता हूँ, राइट साइड पे दोस्तों ये इनका किचन है, किचन का साइज भी मैं आपको दिखा दूं, फर्श पे मार्बल लगा हुआ है, इसके अलावा कैबिनेट वगैरह का डिजाइन भी साथ साथ आप देख रहे होंगे, टाइल का डिजाइन भी आपको नजर आ रहा है। इसकी जो विंडो है वो दोस्तों इन्होंने फ्रंट वाली साइड पे दी है, कैबिनेट के ऊपर भी सामान वगैरह रखा जा सकता है, इसकी भी सीलिंग की गई है। तो दोस्तों यहां से मैं अब इसके ड्राइंग रूम वाली साइड पे आपको ले जाता हूँ, ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, एक अंदर वाली साइड से भी है, बाहर वाली साइड से भी मैंने आपको दिखा दी थी। ये इसका ड्राइंग रूम है, मुनासिब साइज का ड्राइंग रूम है, इसकी छत पे भी सीलिंग वगैरह का डिजाइन दिखा दूं, फर्श पे इसके भी मार्बल लगा हुआ है। अब मैं दोस्तों इसके जो बड़े बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, एंड में वो दिखा देता हूँ, ये दो बेडरूम है बैक साइड पे इन्होंने दी है। तो अब आपको लेफ्ट साइड वाले बेडरूम में ले जाता हूं, ये बेडरूम का साइज आप देख रहे होंगे, अच्छे मुनासिब साइज का बेड है, और इसकी सीलिंग वगैरह का डिजाइन भी साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही दोस्तों इसका अटैच बाथ भी है, बाथ का साइज भी आपको दिखा दूं, और इसमें जो चीजें लगी हुई है, इंडियन सीट आपको नजर आ रही होगी, बेसन भी, इसके अलावा शावर वगैरह का डिजाइन भी आप देख रहे होंगे, वेंटिलेशन इन्होंने लॉन्ड्री वाली साइड पे दी है, मुनासिब साइज का ये भी बात है। तो दोस्तों अब यही से आपको इसकी लॉन्ड्री वाली साइड पे ले जाता हूँ, बैक साइड पे इन्होंने ये वॉशिंग एरिया लॉन्ड्री का एरिया दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं मैनुअल वगैरह बने हुए हैं, नलके की फिटिंग इन्होंने दी है। इसके अलावा इसकी छत पे दिखा दूं, ये ओपन रखा गया है। अब वापस आपको टीवी लॉन्च पे ले जाता हूं, ये बदर फार्म का एरिया है, मशहूर सोसाइटी है जो सिमली डैम रोड पे इसकी मेन एंट्रेंस है, और पार्क यू सोसाइटी के ये बिल्कुल एडजेसेंट ये लगती है। तो ये इसका दूसरा बेड है,
इसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे की आंख से। फर्श पे मार्बल लगा हुआ है, स्कर्टिंग वगैरह नजर आ रही होगी। इसकी जो विंडो है वो दोस्तों बैक साइड पे इन्होंने दी है, लॉन्ड्री वाली साइड पे। और इसमें जो अलमारी है वो दिखा देता हूँ, फुल वॉल वाली अलमारी यहाँ पे भी दी है इन्होंने। और इसके छत पे सीलिंग वगैरह का डिजाइन भी साथ साथ आप देख रहे होंगे। अब इसका बात का साइज भी दिखा देता हूँ, ये भी मुनासिब साइज का बात है। बेसन लगा हुआ है, इंडियन सीट आपको नजर आ रही होगी, शावर वगैरह भी। इसके अलावा जो इसकी वेंटिलेशन है वो भी आपको दिखा दूं। तो दोस्तों अब मैं आपको ऊपर लेकर जाऊंगा। ऊपर इन्होंने सॉलिड जो मोमटी है वो भी दी है। इसके अलावा लेफ्ट राइट आपको एरिया भी दिखाऊंगा। मालकान जो इसकी डिमांड कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ऊपर वाली सीढ़ी पे भी मार्बल लगा हुआ है, स्टील का काम भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। देख रहे हैं ऊपर डिजाइन दिया हुआ है इन्होंने सीलिंग का। दोस्तों जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो ये इसकी मोमटी का एरिया है। मोमटी भी घर के हिसाब से बड़े अच्छे साइज की इन्होंने दी है, जिसके फर्श पे मार्बल लगा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने जो दरवाजा दिया है वो स्टील वाला डबल डोर इन्होंने लगाया हुआ है। तो अब मैं ऊपर आ गया हूँ टॉप पे। आप देख रहे होंगे ये कॉलम बीम का बना हुआ घर है, सरिये वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे, वाटर टैंक भी आपको नजर आ रहा है। इस साइड पे भी मैं दिखा दूं, ये आबाद गली है, बड़ी गली है बदर फार्म की। बैक साइड पे दोस्तों जूम करके दिखा देता हूं, बिल्कुल करीब पैदल की दूरी पे एडजेसेंट ही इसके ये सारा एरिया जो लगता है ये पार्क यू सोसाइटी का है। फ्रंट पे सिमली डैम रोड है जो वॉकिंग डिस्टेंस पे बिल्कुल करीब है। तो दोस्तों इसके जो मालकान डिमांड कर रहे हैं वो बताने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर ले। इसके अलावा रब्ता करना चाहते हैं स्क्रीन पे मेरे नंबर नजर आ रहे होंगे, आप कॉल करके भी रब्ता कर सकते हैं। और इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मोमटी आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी मोमटी इन्होंने दी है। ये टोटल जो जगह है 5 मरले का प्लॉट था जिसके ऊपर ये सिंगल स्टोरी मकान बना हुआ है। मालकान इसकी डिमांड कर रहे हैं 65 लाख रुपए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।